हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड लॉ हसीब चौहान मेंटर फॉर योर लीगल रीजनिंग सो डियर फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 501 क्वेश्चंस फॉर द क्रैक एम एच तो चलिए आज के क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन है आपके सामने प्रिंसिपल कहता है एवरीबडी इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एन एक्ट और ओमिशन व्हिच ही कैन फोरसी वुड इंजर हिज नेबर द नेबर फॉर दिस परपस इज एनी पर्सन हु मी शुड हैव इन हिज माइंड एज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय हिज एक्ट तो ये टॉर्ट लॉ का नियम है कि आप कभी भी कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें नेग्लिजेंसी मत दिखाओ मतलब हर एक पर्सन के ऊपर लीगल ड्यूटी है ऑब्लिगेशन है कि जब भी वो कोई काम करे तो इस तरीके से रीजनेबल केयर के साथ में काम करे ताकि वो किसी भी नेबर को नुकसान ना पहुंचाए यहां पर जो नेबर है नेबर का मतलब कोई पड़ोसी नहीं है नेबर का मतलब है हर एक वो पर्सन जो आपके उस एक्ट से अफेक्ट हो सकता है फैक्ट देखिए abortion Lakshmi filed a suit against Krishnan claiming damages तो यहां पर ये अब आप कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन हो चुका अरे जान बुझ कर लाया हूं वापस बीच बीच में आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे मैं चेक तो करूं कि एक बार अगर आपने उसी क्वेश्चन का गलत जवाब दिया था तो क्या वापस आपका दिमाग चलता है या नहीं चलता है इसीलिए बीच बीच में रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे भाई समझ रहे हो ना अब यहां पर बहुत सिंपल सा सीन है कि कृष्णन ड्राइविंग कर रहा था तेज गाड़ी थी उसकी और एक साइकलिस्ट को उड़ा दिया साइकिलिस्ट खून खून हो गया अब वहां से गुजरने वाली लक्ष्मी जो औरत है वो प्रेग्नेंट लेडी थी और उसको वो उस सारा ब्लड ब्लड देखकर एकदम सीन देखकर नर्वस शॉक हो गया और उसका बच्चा पेट में ही मर गया अबॉर्शन हो गया तो बताओ मेरे दोस्तों चार ऑप्शंस आपके सामने एक मिनट का टाइमर आपके सामने देखते हैं किसमें कितना है दम जम के रखना कदम लक्ष्मी कह रही कृष्णा तू तो मेरे बच्चे का कातिल है कंपनसेशन दे अब आपको क्या लगता है कृष्णा की ड्यूटी है या ड्यूटी नहीं है टाइम भाग रहा है भाई समय किसी के लिए नहीं रुकता है तो आप भी किसी के लिए ना रुकें और जल्दी से जल्दी अपना फैसला सुनाए चलिए भाई ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को क्या था कृष्णा विल बी लाइबल बिकॉज ओर ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर टू एवरीबडी ऑन द रोड इंक्लूडिंग लक्ष्मी कृष्ण बिकॉज ही कुड नॉट है रिजल्ट ऑफ इजैक्ट समझ रहे हो ना तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी आपकी केयरनेस वही तक हो सकती है जिस केयरनेस को आप फोर्स ही कर सके कि आपकी नेग्लिजेंसी को आप फोर्स ही कर सके भविष्य में झांक सके कि अगर ये काम मैंने ठीक से नहीं किया तो इसको नुकसान हो सकता है तो यहां कृष्णा कैसे दिमाग में लगा सकता है कि लक्ष्मी जो है नर्वस से सफर्ड है पहले से समझ रहे हो तो नॉट लाइबल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपरेशन इज नॉट एन ऑफेंस एक्सेप्ट द प्रिपरेशन ऑफ सम स्पेशल ऑफेंसेस किसी भी चीज की प्रिपरेशन करना ऑफेंस नहीं है आईपीसी का सेक्शन है लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जिनकी प्रिपरेशन करना भी ऑफेंस माना जाता है रमेश कीप पॉइजन हाउला इन हिज हाउस विशिंग टू किल बिनॉय होम ही इनवाइटेड टू द पार्टी एंड टू होम ही विश टू गिव इट अनोन टू रमेश हिज ओनली सन टेक द हाउला एंड डाइज इन दिस केस ध्यान से समझना रमेश अपने पास हाउला नाम का एक पॉइजन रखता है और वो चाहता है कि बिनोय को वो जहर देकर मार दे जिसको उसने अपने घर पर पार्टी में बुलाया है अब यहां पर रमेश को इस बात का पता नहीं चला और उसका जो इकलौता लड़का था वो हाउला खाकर मर गया तो क्या रमेश ने अपने बच्चे का मर्डर किया है क्या रमेश ने उसे मारा है या बच्चे ने अपने आप आत्महत्या किया है क्या किया है तो बताइए दोस्तों रमेश के बेटे द्वारा जहर खा लेना नेग्लिजेंसी से गलत तरीके से ये जो बीच बीच में क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं ना उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि यही आपका टेस्ट भी हो जाता है हाथों हाथ इंस्टेंट आप में से कितने लोग इस क्लास को सीरियसली अटेंड कर रहे हैं जो अपने फ्यूचर के लिए बहुत सीरियस हैं कमिटेड है टाइम निकल रहा भाई तीन सेकेंड चलिए टाइमर खत्म हो गया मेरे दोस्त जल्दी देखिए अब पहला ऑप्शन कहता है कि सर रमेश लायबल होगा मर्डर के लिए सेकंड ऑप्शन कहता है ही इज नॉट लायबल फॉर द मर्डर क्योंकि सिर्फ उसने तो प्रिपरेशन की थी और बिना तो मरा भी नहीं ही इज लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड जी हां बिल्कुल ठीक अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट ऐसा काम करता है जिससे किसी भी पर्सन को ऐसी इंजरी हो जाए ऐसा पर्टिकुलर उसको चोट लग जाए जिससे लाइकली टू कॉज डेथ हो जिसमें आपको शक हो कि वो मर सकता है तो ये चीज कल्पेबल होमिसाइड कहलाएगी अपने बच्चे के लिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन है एनी डायरेक्ट फिजिकल इंटरफ्रेंस विद द गुड्स इन समबडीज पजेशन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड ट्रेसपास टू गुड्स तो मैं बता दूं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कैसा सर ट्रेसपास की अगर बात करेंगे तो ट्रेसपास जो एक्ट है ना ट्रेसपास का जो एक्ट है वो टॉर्ट में भी जाता है मतलब सिविल केस में भी जाता है और ये क्रिमिनल एक्टिविटी भी मानी जाती है ठीक है डिग्री ऑफ इंटेंशन डिग्री ऑफ एक्नॉलेज, डिग्री ऑफ नॉलेज की बात होती है इसमें कि किसको केस को टॉट में डालना है किसको किस में किसमें डालना है। अब अगर मैं ट्रेसपास का क्लासिफिकेशन करूं तो ये दो तरीके का हो सकता है कौन सा पहला होता है ट्रेसपास टू गुड्स ट्रेसपास टू गुड्स और दूसरा होता है आपका ट्रेसपास टू पर्सन ठीक है अब यहां प्रॉपर्टी कर देते हैं ना ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी अब प्रॉपर्टी की बात करूं तो दो तरीके का हो सकता है एक तो कोई भी मूवेबल गुड्स और दूसरा जमीन अब जमीन पे बनी हुई बिल्डिंग भी इसी में आएगी ट्रेसपास टू पर्सन की बात करूं तो तीन चीजें आती है उसमें एक आता है असोल्ट सेकेंड आता है बेट्राय और थर्ड आता है आपका फॉल्स इंप्रेजनमेंट फॉल्स एम्प्रेजनमेंट ठीक है अब ये कह रहा है अगर किसी के गुड्स जो किसी और के पजेशन में हो अगर आप अनलॉफुल इंटरफेंस करते हो उसके सामान के साथ में अतिक्रमण कहलाएगा ए परचेज अ कार फ्रॉम अ पर्सन हु हैड नो टाइटल टू इट एंड हैड सेंट इट टू अ गैराज फॉर रिपेयर ए ने एक कार खरीदी उस आदमी से जिसके पास इसका टाइटल नहीं था मतलब वो कार या तो चोरी की थी और उसने ए ने रिपेयरिंग के लिए गैराज पर भेज दी कार को एक्स बिलीविंग कार वॉज हिज रिमूव फ्रॉम द गैराज एक्स को लगा कि ये कार तो मेरी है जो गायब हो गई थी तो रॉन्ग बिलीव की वजह से उसने वो कार गैराज से अपने घर ले गया ये रहा आपके चारों ऑप्शन ट्रेस पास का बेसिक नॉलेज भी बता दिया जल्दी से टूट पड़ो क्वेश्चन पर तो बताइए यहां ये नहीं पूछा कि ए ने क्या किया चोरी की गाड़ी खरीदी कि नहीं खरीदी यहां सारा सवाल है एक्स के ऊपर क्या एक्स ट्रेस पास किया है क्या एक्स ने ट्रेस पास नहीं किया है ट्रेस पास या ट्रेस पास को तो छोड़ो सर कुछ भी गलत नहीं किया या कोई ऑप्शन ही समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल जवाब है अगर थोड़ा सा फोकस रहोगे ना बहुत 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 सिंपल जवाब है ध्यान से देखिएगा सर अगर मैं सिविल केसेस में ट्रेसपास की बात करूं तो हमें इंटेंशन से कोई लेना देना ही नहीं है क्या आपका इंटेंशन था या नहीं था क्योंकि नेग्लिजेंसी भी तो है तो नेग्लिजेंसी भी ट्रेस पास में आती है तो ऐसे केस में उसने रॉन्ग बिलीव किया नेग्लिजेंसी की रिस्पांसिबिलिटी सही नहीं लापरवाही से अपना सामान समझ लिया तो यस yes, वो ही कैन बी लाइबल फॉर द ट्रेस पास अगला क्वेश्चन देखिए नो बडी शैल अनलॉफुल इंटरफ्रेंस विद द पर्सन यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर इट और इन कनेक्शन विद इट द यूज और एंजॉयमेंट एंड हियर इन शुड बी नॉर्मल एंड रीजनेबल टेकिंग इन टू अकाउंट सराउंडिंग सिचुएशंस कोई भी पर्सन किसी और पर्सन की जमीन पर जो वो यूज कर सकता है जो उसका एंजॉयमेंट है उसमें अनलॉफुली इंटरफ्रेंस नहीं करेगा वरना वो न्यूसेंस कहलाएगा टॉट का पार्ट है तो यूज और एंजॉयमेंट जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उस जमीन के साथ शुड बी नॉर्मल एंड रीजनेबल टेकिंग इनटू अकाउंट सराउंडिंग सिचुएशन जीवन एंड पवन वर नेबर्स इन अ रेजिडेंशियल लोकैलिटी पवन स्टार्टेड अ टाइपिंग क्लास इन अ पार्ट ऑफ हिज हाउस एंड हिज टाइपिंग साउंड डिस्टर्ब जीवन हु कुड़ नॉट पुट अप विध एनी काइंड ऑफ कंटिन्यूस नॉइस ही द सूट अगेंस्ट पवन तो पहले प्रिंसिपल को अच्छे से समझ लेना कि सर जो यूज और एन्जॉयमेंट है ना वो इस तरीके का होना चाहिए जो नॉर्मल है अगर नॉर्मल है तो उसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आदमी मेरे घर पर न्यूसेंस फैला रहा है आवाज़ से डिस्टर्ब कर रहा है जीवन और पवन पड़ोसी हैं पवन ने टाइपिंग की क्लास स्टार्ट की टाइपिंग के शोर से जीवन परेशान हुआ और वो कुछ भी बहुत परेशान हो गया तो उसने पवन के अगेंस्ट में सूट फाइल किया कि ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है डिस्टर्ब कर रहा है तो चार ऑप्शन हैं दोस्तों टाइमर आपके सामने है बताइए इसका सही आंसर क्या होगा अगर आप न्यूसेंस का डिटेल मीनिंग समझने जाओगे तो न्यूसेंस का मतलब होता है कि लार्ज एट पब्लिक डिस्टर्बेंस मतलब सिर्फ आप अकेले के लिए वो साउंड जो है जैसे मान लीजिए किसी को गुस्सा जल्दी आता है किसी की नींद कमजोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं अगर रीजनेबल मेंबर ऑफ सोसाइटीज ध्यान से समझना मेरे दोस्त टॉट का कोई भी केस होगा ना तो वहाँ ये देखा जाएगा कि रीजनेबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज क्या इस चीज़ को न्यूसेंस मानते हैं अगर हाँ इफ यस देन इट इज़ कंसिडर्ड एज न्यूसेंस वरना नहीं तो यहाँ पर क्या है कि सर पवन लायबल होगा बिकॉज ही शुड नॉट हैव स्टार्टेड टाइपिंग क्लास इन हिज हाउस अच्छा ये क्या बात हुई सर हम कोई भी ऐसा काम अपने घर में कर सकते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं हो पवन लायबल होगा बिकॉज एज अ नेबर ही शुड हैव रियलाइज जीवन डेलिकेट नेचर कि पवन को समझना चाहिए जीवन को थोड़ा डेलीकेशन है थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है वो डिस्टर्ब जल्दी हो जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं सबका ध्यान रखता फिरूंगा पवन इज नॉट लाइबल बिकॉज टाइपिंग साउंड डिड नॉट डिस्टर्ब एल्स अदर देन जीवन और या फिर नन ऑफ दी अबाउ तो यहां पर अगर हम ये पॉइंट सी नंबर ए और बी तो क्लियरली रिजेक्टेड पॉइंट है ध्यान से समझना सी नंबर पॉइंट कहता है कि पवन की जिम्मेदारी नहीं होगी क्योंकि टाइपिंग का साउंड सिर्फ जीवन को डिस्टर्ब करा नहीं यहां पे सिविल लॉ कहता है कि अगर किसी एक आदमी के खिलाफ भी आपने कुछ गड़बड़ किया है तो ऐसे केस में हम ये मान लेंगे कि आपने न्यूसेंस किया आपने टॉट किया क्योंकि टॉट का मतलब ही प्राइवेट रॉन्ग है ना भाई टॉट का मतलब ही तो सर तीनों ऑप्शन में से कोई भी परफेक्ट ऑप्शन नहीं है तो हम डी के साथ जाना चाहेंगे नन ऑफ दी अबाव लेकिन रियलिटी में अगर पूछा जाए तो यस पवन लायबल होगा हंड्रेड परसेंट लायबल होगा बिकॉज ही शुड नॉट हैव स्टार्टेड ये ये रीजन गलत है उसके डेलिकेट नेचर का रीजन भी गलत है टाइपिंग साउंड की सिर्फ अकेले जीवन को डिस्टर्ब करे ये भी गलत है तो यहां पर एग्जैक्ट ऑप्शन ये होना चाहिए कि पवन शुड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज न्यूसेंस बिकॉज द जीवन कुड नॉट एंजॉय हिज यूज और एंजॉयमेंट ऑन द लैंड तो वो अपनी जमीन को सही से यूज नहीं कर पा रहा है तो न्यूसेंस तो कहलाएगा भाई अगला पॉइंट देखिए डॉक्ट्रॉइन ऑफ डबल जियो पार्टी नो पर्सन शेल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस डबल जियो पार्टी का मतलब होता है किसी भी पर्सन को एक ही गुना की सजा दोबारा नहीं देंगे मकबूल ब्रॉड सम गोल्ड इनटू इंडिया विदाउट मेकिंग एनी डिक्लेरेशन टू कस्टम डिपार्टमेंट ऑन द एयरपोर्ट मकबूल जो है वो सोना लेकर इंडिया में आ गया और कस्टम डिपार्टमेंट को इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं दी द कस्टम अथॉरिटी कन्फिस्केटेड द गोल्ड अंडर द सी कस्टम एक्ट मकबूल वॉज लेटर चार्ज फॉर हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट अब उसका सोना कस्टम डिपार्टमेंट ने कन्फिस्केट कर लिया जब्त कर लिया ठीक है सर अब मकबूल को बाद में क्या किया चार्ज किया गया कमिटेड एन ऑफेंस अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होना चाहिए प्रिंसिपल को ध्यान से समझना यहां पर प्रिंसिपल में कह रहा है प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट तो जब उसका सोना जब्त किया गया तो ना तो इसे प्रोसिक्यूशन बोलते हैं और ना ही इसे कोई तरीके की पनिशमेंट बोलते हैं समझ रहे हो ना तो जेल भेजा गया ना उसके खिलाफ मुकदमा चला गया खाली सोना ही तो जब्त किया है आपसे बाद में अगर फेरान है फॉरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में वो कोई गुना माना जाता है कि आप सोना क्यों लेकर आए इंडिया में बिना किसी को बताए हुए तो स्मगलिंग का केस चल सकता है बिल्कुल चल सकता है प्रोसिक्यूशन भी होगी जेल भी होगी तो आप सही कंक्लूजन पे पहुंच गए ना दोस्तों सही कंक्लूजन पे पहुंचे कि नहीं देखिए कह रहा है ही कैन नॉट बी बिकॉज इट वुड अमाउंट टू डबल अरे यहां तो हमने सोना जब्त किया प्रोसिक्यूशन तो हुआ ही नहीं तो ये ऑप्शन तो गलत है ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड बिकॉज कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स बाय द कस्टम अथॉरिटीज डज नॉट अमाउंट टू एनी प्रोसिक्यूशन बाय द कोर्ट बिल्कुल सही जवाब तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है अब देखिए नेक्स्ट Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the of the possession any person without that person consent moves that property such taking is said to commit theft. चोरी की डेफिनेशन दे गई है जो कोई भी जानबूझकर किसी और के पोजिशन में रखे हुए सामान को वहां से हटाने की कोशिश करेगा अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा तो उसने कौन सा गुना किया है उसने गुना किया है चोरी का रामू कट डाउन अ ट्री ऑन रिंकूज ग्राउंड विद इंटेंशन टू डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ द रिंकूज पोजिशन विदाउट रिंकूज कंसेंट ए कूड नॉट टेक द ट्री अवे ठीक है लेकिन वो पेड़ जो है वो ले जा नहीं सका ए का मतलब यहां रामू है रामू जो है वो पेड़ ले जा नहीं पाया तो बताइए दोस्तों सही ऑप्शन क्या है क्या रामू के खिलाफ चोरी का मुकदमा चलेगा क्या रामू के खिलाफ चोरी का मुकदमा नहीं चलेगा रामू के खिलाफ अटेम्प्ट टू चोरी का मुकदमा चलेगा तो रामू ने कोई भी चोरी नहीं की है क्योंकि वो बेचारा पेड़ तो ले जा ही नहीं सका सबसे पहले आपको ऊपर दिमाग लगाना है मूवेबल प्रॉपर्टी है ना बेटा तो सवाल ये है सर पेड़ कब से मूवेबल होने लगे वो तो इमूवेबल होते है ना तो थोड़ी जानकारी तो आपको होनी चाहिए ना भाई तो अच्छे से दिमाग फिट करो जल्दी 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 बहुत बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है ध्यान से समझना इसको चलिए एनीथिंग अटैच टू अर्थ कोई भी चीज अगर जमीन से जुड़ी हुई है तो वो मूवेबल नहीं होती इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है और अगर आप की बात करोगे तो थेफ्ट सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही लायबल होता है सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी तो सर रामू की अगर बात करें तो रामू तो ट्री की बात कर रहा है और ट्री जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी तो है ही नहीं जमीन से जुड़ी हुई है मतलब ही मूवेबल प्रॉपर्टी तो पेड़ को क्या माना जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो आपके प्रिंसिपल के हिसाब से चोरी नहीं हो सकती लेकिन सुनो एक ट्विस्ट सुनो मेरे दोस्तों ट्री अगर जब तक वो जमीन से जुड़ा हुआ है तब तक तो वो क्या कहलाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन द ट्री कट डाउन व्हेन द ट्री कट डाउन जिस टाइम पर वो पेड़ काटा गया वो जमीन पर जुड़ा हुआ नहीं कहलाएगा और अब वो कहलाएगा आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी वो ले जा नहीं पाया ये एक अलग मैटर था लेकिन यहां पर प्रोसिक्यूशन फॉर चलेगा। डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी पजेशन विदाउट कंसेंट मूव्स दैट प्रॉपर्टी यहां मूव्स दैट प्रॉपर्टी का मतलब होता है उस पेड़ को उसकी जगह से हटा देना कोशिश पूरी थी भारी होने की वजह से नहीं ले जा पाया क्वेश्चन है इंजूरिया साइन डेमनम इंजरी विदाउट डैमेज मतलब क्या हुआ इसको बोलते हैं टॉट लॉ का बेसिक कंपोनेंट है लीगल इंजरी कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लीगल राइट right को वायलेट किया गया है तो वो लीगल इंजरी मानी जाएगी सोनू रिटर्निंग ऑफिसर एट अ पोलिंग बूथ रोंगली रिफ्यूज टू रजिस्टर्ड अ ड्यूली टेंडर्ड वोट ऑफ मोनू थ्रू ही वॉज क्वालिफाइड वोटर द कैंडिडेट होम मोनू सॉट टू वोट वॉज डिक्लेयर इलेक्टेड कह रहा है सोनू जो है वो एक रिटर्निंग ऑफिसर है पोलिंग बूथ का उसने मोनू का वोट डालने से मना कर दिया जबकि मोनू के पास सारी क्वालिफिकेशन थी उस वोट को देने के लिए मोनू जिस कैंडिडेट को जिताना चाहता था अंत में वो जीत भी गया तो यहां पर मोनू का कोई नुकसान तो हुआ नहीं देखा जाए तो फिर भी सवाल यह है कि क्या मोनू उस रिटर्निंग ऑफिसर पर केस फाइल कर सकता है क्या मोनू डैमेज क्लेम कर पाएगा तो जानने के लिए एक मिनट बाद मिलते हैं बट मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझसे पहले आंसर दे दें प्लीज जल्दी बता दीजिए दोस्तों क्या होगा इसका सही और परफेक्ट आंसर तो आपको बताना है प्रूफ के साथ में कि क्या होगा इसका एग्जैक्ट आंसर देखो सर लीगल इंजरी तो हुई है अगर किसी का लीगल राइट है और वोट डालना हमारा लीगल राइट है तो अगर मेरे लीगल राइट को कोई हार्म होता है भले ही मुझे कोई एक रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ भले ही मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं आई लेकिन जो कानूनी रूप से मैं काम कर सकता था वो नहीं करने दिया गया इट इज कॉल्ड द वायलेशन ऑफ लीगल राइट तो मोनो सू कर सकता है ऑन द ग्राउंड दैट डिनाइड टू कास्ट इज अ फंडामेंटल राइट वोट डालना फंडामेंटल राइट right नहीं है भाई ये होगा मोनू कैन सू सोनू ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज डिनाइड टू कास्ट वोट वोट डालने से मना कर दिया जबकि उसका वो लीगल राइट right था लीगल राइट हार्म हुआ है क्वेश्चन है

या फिर किसी भी और पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्यों बता रहा हूं मैं सामने वाले को ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि सामने वाला मुझे इस काम के लिए यस बोल दे मैं उसकी असेंट चाहता हूं तो इसका मतलब होता है कि उसने प्रपोजल दिया है सुनना रामानुज टेलीग्राम टू द श्याम सुंदर राइटिंग विल यू मी योर रोल्स रॉयल्स कार तो रामानुज ने टेलीग्राम किया श्याम सुंदर को कि क्या तुम मुझे रोल्स रॉयस कार अपनी बेचोगे टेलीग्राम द लोएस्ट कैश प्राइस तो और अगर तुम बेचना चाहते हो तो कम से कम वाली प्राइस मुझे बता दो श्याम सुंदर रिप्लाइड टू बाय द टेलीग्राम लोवेस्ट प्राइस फॉर कार इज ट्वेंटी लैक्स सबसे कम प्राइस जो है वो बीस लाख रामानुज इमीजिएटली सेंड हिज कंसेंट थ्रू टेलीग्राम स्टेटिंग आई एग्री टू बाई द कार फॉर रुपीज ट्वेंटी लैक आस्क बा रिफ्यूज टू सेल द कार रामानुज ने टेलीग्राम किया क्या तुम अपनी कार बेचोगे टेलीग्राम अगर यस है जवाब तो कम से कम मतलब यस वस को तो कुछ नहीं बोला उसने बोला कम से कम कितनी प्राइस लोगे उसने वापस रिप्लाई दिया और बोला कम से कम बीस लाख और उसने वापस बोला कि मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है बीस लाख रुपए मैं भेज दूंगा मुझे अपनी कार बेचो। श्याम सुंदर ने मना कर दिया कि मैं तो नहीं बेच रहा तो बताइए दोस्तों क्या इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन ठीक लगता है क्या आपको कहीं पर भी ये लगा कि इट इज़ अ प्रपोजल ये एक प्रपोजल है और अगर नहीं तो क्यों नहीं बहुत इजी क्वेश्चन है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का क्वेश्चन है प्रपोजल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो जल्दी बता दीजिए दोस्तों क्या होना चाहिए इसका परफेक्ट आंसर आपके हिसाब से चलिए ध्यान से समझना दो चीजें होती है एक तो होता है दोस्तों ऑफर दूसरा होता है इनविटेशन टू ऑफर दोनों ही अलग अलग हैं ऑफर का मतलब होता है डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर देना और सामने वाले की हा या ना का वेट करना इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है कि सामने वाले को हम ऑफर दे रहे हैं कि तुम आकर मुझे ऑफर दो हम सामने वाले को इनवाइट करते हैं कि तुम आकर मुझे ऑफर दो अगर मैंने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो आगे की बात होगी तो यहां पर जो सारा गेम चल रहा है वो इन्वाइट किया उसने आपने और दूसरा पॉइंट होता है क्वेश्चन का रिप्लाई करना एक इन्विटेशन है उसने पूछा कि तुम तुम्हारी कार कितने में बेचोगे उसने कहा बीस लाख अगर बेचूंगा तो बीस लाख ना भाई मान लीजिए मैं कोई नई बाइक लेकर आया मेरा फ्रेंड मुझसे आकर पूछता वाह यार बाइक तो जबरदस्त है कितने में ली मैंने कहा भाई चालीस लाख में कितने में बेचेगा अगर बेचना चाहे मैंने कहा बेचनी नहीं अरे नहीं बता तो सही कितने में बेचेगा अगर बेचना चाहे तो मैंने कहा यार कम से कम आ, देखो एक साल हो गया है तो एटलीस्ट मुझे थर्टी एट लाख तो वापस मिल ही जाए तो क्या ठीक है ये ले पकड़ लाख बाइक मेरी हुई कैसे हुई कैसे मैं बेचना ही नहीं चाहता अगर बेचूंगा तो मैंने तो सिर्फ इन्विटेशन दिया था ना तो यहां पर सही आंसर क्या होगा ही कैन नॉट रिफ्यूज गलत जवाब ही कैन रिफ्यूज टू सेल द कार बिकॉज इट वॉज ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर एंड नॉट द रियल ऑफर तो रियल ऑफर था ही नहीं वो कभी वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का इन्वाइटेशन था इन्विटेशन था समझ गए पॉइंट को ये सिर्फ एक तरीके का ओह एक सेकेंड हा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड थर्ड ऑप्शन मैंने पढ़ाई नहीं इट वॉज नॉट अ वैलिड ऑफर बिकॉज विलिंगनेस टू एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट वॉज एबसेंट हाँ देखो दोनों चीजें सही है लेकिन यहां पर परफेक्ट आंसर जो है वो आपका सी होना चाहिए क्योंकि सी आपको ये बताता है कि सामने वाले की मर्जी के बिना आप कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते तो परफेक्ट आंसर ये है हालांकि ये इनविटेशन भी था तो उसमें क्वेश्चनिंग का आंसर था दोनों चीजें हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखता है एक्सप्रेशन ऑफिंग रिजल्ट इन अ वैलिड प्रपोजल ओनली वेन इट इज मेड अड्रेस टू समर्स तो वही बात है ऑफर की डेफिनेशन बताइए ऑफर का दूसरा नाम प्रपोजल भी है लेकिन ये कह रहा है प्रपोजल तभी वैलिड माना जाएगा जब किसी पर्टिकुलर आदमी को किया जाए ठीक है देखिए एक्स मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एन अनहेबिटेटेड हॉल आई विश टू सेल माई मोबाइल फ़ोन फॉर रुपीज़ वन थाउजेंड विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशन इज़ करेक्ट तो उसने सिर्फ चिल्ला कर कहा है कि मैं अपना मोबाइल एक हज़ार में बेचना चाहता हूँ ये चार ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों जल्दी बता दो कि आपके हिसाब से सही आंसर क्या होगा इस सवाल के जवाब का उसने सिर्फ एक लाइन बोली कि मैं अपना मोबाइल एक हजार में बेचना चाहता हूं उसने ये नहीं कहा कि जो कोई भी इसको खरीदना चाहे वो आगे आए पीछे जाए एक हजार रूपए जमा कराए वगैरह 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 क्या उसने कोई भी ऑफर दिया क्या उसने कोई भी ऑफर दिया इट इज जस्ट एन इन्वाइटेशन इन्विटेशन था कि जो कोई भी मेरा इस तरीके का मेरा है मेरा स्टेटमेंट है इट इज जस्ट एन स्टेटमेंट तो एक्स ने स्टेटमेंट दिया है जिससे प्रॉमिस बन गया एक्स ने स्टेटमेंट दिया जिससे प्रपोजल बन गया एक्स ने स्टेटमेंट दिया जिससे कोई प्रपोजल नहीं हुआ और उसका स्टेटमेंट जो है वो अग्रीमेंट में कन्वर्ट तो हो ही जाएगा तो आपको क्या लगता है सही जवाब क्या होना चाहिए तो बिल्कुल सही मेरे दोस्तों जितने लोग ऑप्शन सी की तरफ बढ़ रहे हैं कि इट इज जस्ट एन स्टेटमेंट विच डॉट प्रपोजल तो बिल्कुल सही जवाब है ये एक सिर्फ स्टेटमेंट है सर इससे कभी भी कोई भी प्रपोजल नहीं बन सकता अब ये देखिए प्रपोजल मतलब ऑफर शुड बी मेड विथ एन इंटेंशन दैट आफ्टर इट्स वैलिड एक्सेप्टेंस अ लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस और अग्रीमेंट विल बी क्रिएटेड द टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच इंटेंशन इज नॉट सब्जेक्टिव इट इज ऑब्जेक्टिव इंटेंशन ऑफ पहले यहां से याँ तक समझ लो जब कोई भी ऑफर शुड बी मेड विद इंटेंशन ऑफर देते टाइम आपका इंटेंशन होना चाहिए कि ऑफर को जब सामने वाला वैलिड तरीके से एक्सेप्ट कर ले तो ये दोनों के बीच में प्रॉमिस बन जाएगा लीगली बाउंड प्रॉमिस बन जाएगा उसके बाद अग्रीमेंट बन जाएगा द टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सच इंटेंशन इज नॉट सब्जेक्टिव इट इज ऑब्जेक्टिव और यह है नहीं ऑब्जेक्टिव पॉइंट है इंटेंशन ऑफ पार्टी टू अटेन फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट एंड सराउंडिंग सर्कमस्टिस अंडर विच सच एन अग्रीमेंट इज एंटर इन टू और इंटेंशन ऑफ पार्टी उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस से डिसाइड होगी एज ए जनरल रूल इन द केस ऑफ अरेजमेंट रेगुलेटिंग सोशल रिलेशन इट फॉज एज द मैटर ऑफ कोर्स दै द पार्टीज डो नॉट इंटेंड लीगल कंसिक्वेंसेज टू फॉलो सोशल एग्रीमेंट के जो मामले होते हैं फैमिली एग्रीमेंट के जो मामले होते हैं उनमें दोनों ही पार्टीज के बीच में कभी भी कोई लीगल इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई मामला नहीं होता जैसे अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को बोले कि आज बढ़िया खाना बनाना मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा वाइफ बढ़िया खाना बनाती है हस्बैंड कोई गिफ्ट नहीं देता तो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड इन दी आईज ऑफ लॉ कानून की नज़रों में डोमेस्टिक एडमिशन है डोमेस्टिक अग्रीमेंट है तो इस तरीके के एंटरटेन नहीं किए जाएंगे On the contrary, as a general rule, in the case of arrangement regulating business affairs, it follows as a matter of course that the parties intent legal consequences to follow. लेकिन इसके अलावा, इसके विपरीत, जो business के कितनी कितने भी transactions होंगे, business से related कोई भी transaction होगा, उसमें हम लोग ये मान कर चलते हैं, कानून खुद मान रहा है कि इसमें legal consequences होंगे, legal relationship create होंगे. मान लीजिए घर घर में पापा और बेटे का अग्रीमेंट हो रहा है कि मैं तुझे प्रॉपर्टी का एक हिस्सा दे रहा हूँ इसके बाद तू मेरे पास दूसरी प्रॉपर्टी लेने मत आना तो डोमेस्टिक अग्रीमेंट है लेकिन अगर ये अग्रीमेंट साइन एंड फील्ड है तो फिर वो रिबिटेड नहीं होगा

थिंक आप लोग मुझसे पहले इस आंसर को समझ चुके हैं है ना? बहुत इजी वे में शायद आप मुझसे पहले ही समझ चुके हैं X ने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे प्रॉमिस बन जाएगा प्रपोजल बन जाएगा इनफोर्सिबल अग्रीमेंट बन जाएगा या फिर डिड नॉट रिजल्ट एनी इनफोर्सिबल अग्रीमेंट के सिर्फ कहने की बातें हैं सर पापा ने ऐसे कई वादे आज भी हमसे करके छोड़े हैं कुछ नहीं होता उनका क्या पापा ने जब ऐसा बोला होगा आपको कि आप टेंथ पास करना ट्वेल्थ पास करना साइकिल दिलाऊंगा बाइक दिलाऊंगा तो क्या उन्होंने दिलाई अगर नहीं दिलाई तो क्या उस टाइम जब उन्होंने ऑफर दिया था तो क्या आप दोनों ने ऐसा सोचा था कि देखो पापा इस बार अगर आपने ऐसा कुछ मेरा वादा तोड़ा तो जेल की हवा खानी पड़ेगी नहीं ना तो जब हमने सोचा ही नहीं ऐसा तो सर ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो कभी भी वैलिड अग्रीमेंट नहीं बनता They did not result in any enforceable agreement. Agla hai, acceptance of offer must be communicated by the offeree to the offerer so as to give rise to binding obligation. The expression by the offeree to the offerer includes communication between their authorized agent. तो ये कह रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है तो अब यही बात ऑफर देने वाले को भी वापस पहुंचाओ कि हाँ भाई मैंने तेरी चीज मंजूर कर ली है लेकिन ये चीजें डायरेक्ट पहुंचाना जरूरी अपने एजेंट के थ्रू भी कम्युनिकेशन हो सकता है एक्स ने एक ऑफर दिया टू बाय वाइज प्रॉपर्टी फॉर स्टिपुलेटेड प्राइस एक्स ने ऑफर दिया है वाई को कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी एक फिक्स दाम पर खरीदना चाहता हूं वाई ने एक्सेप्ट कर दिया एंड कम्युनिकेशन कर दी एक्सेप्टेंस टू जेड। अस्ट्रिंजर समझ रहे हो वाई ने वापस जवाब एक्स को देने के बजाय किसको दे दिया जेड को दे दिया तो बताइए क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस है क्या इस तरीके की एक्सेप्टेंस से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कोई अग्रीमेंट बनेगा क्या कानून की नजरों में ये एनफोर्सेबल अग्रीमेंट है या नहीं है क्या लगता है आपको कि सर वाई की एक्सेप्टेंस जो है वो अग्रीमेंट है या अग्रीमेंट है ही नहीं या कॉन्ट्रैक्ट बन गया प्रॉमिस बन गया क्या बन गया जल्दी बता दो दोस्तों क्या बन गया है ये बिल्कुल सही जवाब बहुत बढ़िया कमेंट बॉक्स में झड़ियाँ लग गई है और सही आंसर है ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन पे तो मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूं कि किसी के दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सर देखो हमने सीधा सिंपल बोला कि ऑफरी की जिम्मेदारी है कि ऑफर को वापस पता चला यहाँ एक्स को तो वापस पता ही नहीं चला तो सर वाई का जो एक्सेप्टेंस है वो किसी भी प्रकार का कोई भी अग्रीमेंट नहीं बनाता समझे बहुत सिंपल सा जवाब था चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक्सेप्टेंस शुड बी मेड द ऑफर इज स्टिल एक्सेप्टेंस तभी देनी है जब तक ऑफर जिंदा रहे अगर ऑफर में टाइम पीरियड था तो फिर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आप कितना ही रो लो चिल्ला लो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है ऑफर फ्री टू रिट्रैक्ट हिज ऑफर एट एनी टाइम बिफोर हिज ऑफर गेट्स एक्सेप्टेड द और दफर के पास में यह अधिकार होता है कि सामने वाली पार्टी अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है या उसके तब कम्युनिकेशन नहीं हुआ ऑफर को उससे पहले वो वापस रिट्रेक्ट भी कर सकती है ऑफर इज विद्रॉन अगर ऑफर वापस ले लिया उसने या फिर वो लैप्स हो गया टाइम पीरियड खत्म हो गया इट इज नॉट ओपन टू बी एक्सेप्टेड सो टू टू गिव राइज अ कॉन्ट्रैक्ट तो फिर वापस एक्सेप्ट नहीं कर सकते सिमिलरली इफ अ टाइम इज इज विद इन द द ऑफर ऑफर टू बी एक्सेप्टेड देन मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम टाइम लिमिट है तो टाइम लिमिट के अंदर ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड इफ नो टाइम इज प्रेस्क्राइब दें द एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम और अगर टाइमिंग नहीं है तो रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट कर लो जवाब दे दो रीजनेबल टाइम क्या होता है इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट विच इज टू बीटरमाइन वट टेक इन टू अकाउंट ऑल द रेवेंट फैक्ट एंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसिस रेलेवेंट टाइम क्या है रीजनेबल टाइम क्या है ये उस पर्टिकुलर जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जो अग्रीमेंट कर रहे हो उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि वो जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो किस तरीके का है एक्स ने ऑफर दिया वाई को टू सेल हिज इक्विपमेंट फॉर एक लाख रुपए एक्स ने ऑफर दिया वाई को कि मैं अपना सामान तुम्हें एक लाख में बेच बेच सकता हूं बेचना चाहता हूं टाइम कोई बताया नहीं गया कि कब तक एक्सेप्ट करना y, y ने दो साल बाद एक्सेप्टेंस दिया क्या हा मंजूर है तो क्या यह वैलिडिटी है क्या लगता है आपको कि वाई ने सही किया कोई बात नहीं दो साल बाद जवाब दिया तो दिया क्या फर्क पड़ता है उससे क्या आपको क्या लगता है कि सही है का कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई अग्रीमेंट बना इन दोनों के बीच में अरे बहुत सिंपल था क्वेश्चन था यार बिल्कुल इजी रीजनेबल टाइम का मतलब रीजनेबल टाइम है ना बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है ना इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो है ये वाला पॉइंट ये पॉइंट रीजनेबल टाइम कि रीजनेबल टाइम जो है ना वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा ठीक है तो यहां पर सही ऑप्शन होगा सर बी क्योंकि आपने दो साल बाद तक जवाब दिया है ये कोई रीजनेबल टाइम नहीं है चलिए अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दूंगा माइनर ट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट कैन नेवर बी वैलिडेड इट कैन नॉट बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ बहुत सिंपल है माइनर का अग्रीमेंट जीरो है शुरुआत से ही ए ए नाम का एक लड़का है ऑफ एज अग्री टू बाय अ कैमरा फ्रॉम बी हु हुटी वन ईयर्स ऑफ एज ए सोलह साल का लड़का है इक्कीस साल की लड़की से कैमरा बाय करने को रेडी हो जाता है अग्री हो जाता है ये एक तरीके का माइनर का अग्रीमेंट है तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट बना क्या अनफोर्सेबल अग्रीमेंट बना डज नॉट अराइज एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी दैमरा इन क्वेश्चन क्योंकि सर एक पार्टी माइनर है बात ही खत्म हो जाती है वहीं पर अगला क्वेश्चन है वेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाई अ पर्सन टू हूम इट इज मेड इट बिकम्स प्रोमिस बट दिस प्रॉमस विल बिकम लीगली बाइंडिंग ओनली वन द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इज अनकंडीशनल

डज नॉट रिप्लाई कैन श्याम कंपेयर टू सेल हिज हाउस पहले उसने कहा मैं तुझे पचास लाख में घर बेचूंगा उसने कहा मैं पांच अलग अलग किस्तों में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दूं चलेगा उसने मना कर दिया और ऑफर वहीं खत्म हो गया ओरिजिनल ऑफर खत्म अब वापस श्याम कह रहा है कोई नहीं जैसा तू चाहता है वैसा एक साथ पेमेंट दे दूंगा क्या अब राम को घर बेचना पड़ेगा तो बहुत सिंपल सा जवाब था बहुत ईजी वे में ध्यान से समझना यहां पर एक बार जब आपने ओरिजिनल ऑफर को रिजेक्ट कर दिया आप वापस आप उसी ऑफर के पीछे नहीं पड़ सकते तो कह रहा है श्याम कैन कंपेल गलत जवाब श्याम कैन कंपेल गलत जवाब श्याम कैन कंपेल गलत जवाब श्याम कैन नॉट कंपेल श्याम राम को मजबूर नहीं कर सकता कि वो उस घर को बेचे क्योंकि जो ओरिजिनल ऑफर था वो आप पहले ही रिजेक्ट कर चुके हो चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का दोस्तों जर्नली एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड वैलिड अग्रीमेंटेशन विच मे हे समू इन दी आईज ऑफ लॉ इजेंशियल रिक्वायर्ड तो ज्यादातर अग्रीमेंट जिसमें नहीं हो कानून की नजरों में वैल्यू नहीं होता है इसके कुछ एक्सेप्शन है नेचुरल लव एन अफेक्शन वाले विलियम के पास एक पुरानी कार है जिस वो अक्सर यूज करता है सेल्डम मतलब कभी कभी यूज करता है फ्टर वन एनसन अप्रोच विलियम एंड ऑफर्स टू बाई दैट कार फॉर रूपीज कार वॉज वन विच एनसन बीन सर्चिंग फॉर लॉन्ग विलियम ने अग्रीमेंट किया किसके साथ में स्मिथ के साथ में दस हजार रुपए में बाद में एनसन नाम का आदमी विलियम के पास आता है और बोलता है एक लाख रुपए दूंगा क्योंकि मुझे यह कार बहुत पसंद है बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूं नाउ विलियम वॉन्ट टू कैंसल अग्रीमेंट विथ स्मिथ

तो विलियम कैन कैंसल वाला तो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता समझ गए तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों वी विल मीट द नेक्स्ट क्लास विद अनदर क्वेश्चन आंसर सेशन तब तक ले रहा बाय बाय